हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आज मैं आपको संतरे का जूस बनाना बताऊंगी और कम टाइम में बनके तैयार हो जाता है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। मैंने ये 6 संतरा लिए हैं, इनको पहले छील लेते हैं ऊपर से। इनकी एक एक कली कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, इसी तरीके से मैं सारे संतरे को छील लूंगी, ऐसे केक एक कलिक बना लूंगी इसकी। ये मैंने सारे संतरे को छील लिया है, अब इनको एक मिक्सिंग जार में डालेंगे। इसमें डाल देंगे हम सारे संतरे को। इनको हम दो बार ग्राइंड करेंगे और इनके अंदर जो बीज होते हैं वो हम जो है ना ज्यादा चलाने से क्या पीस जाते हैं, तो हम मिक्सी को कम करके धीरे धीरे चलाकर पीसेंगे इनको हम, जिससे कि हमारे बीज साफ रह जाएं, वरना पिस जाएंगे तो ये जूस हमारा कड़वा बन जाएगा। तो चलो आज मैं आपको बताती हूँ किस तरह से बनाएंगे। चीनी, अगर आप चाहो तो चीनी डाल सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। और ये मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ। अब इनको मैं ग्राइंड कर लूंगी। तो अब इसको हम ग्राइंड करेंगे, तो चलो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से करना है। हल्का सा चलाइए, फिर बंद कर। इस तरीके से हम पीस लेंगे इनको। अब इनको एक हम बाउल में निकालते हैं। ये मैंने एक बाउल ले लिया है और ये एक हमने लिया छलनी, और इस पे हम इस तरीके से डाल देंगे इसको। चम्मच की सहायता से इसको हिलाते हुए इस तरीके से हम सारा जूस निकाल लेंगे इसका। जो हमारी संतरा बच गई थी ना, उनको भी हम पीस लेते हैं। बस इस तरीके से इसको रोक रोक। बस इसमें इस बात का ध्यान रखना है बीजों का, और वैसे जूस बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। ये हमारा किसी काम का नहीं, इसको हम फेंक देते हैं। हमारा जूस बनके तैयार है। संतरे का जूस तैयार है। आप भी बनाइए, पीजिए और इंजॉय कीजिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।